हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में जो है BSNL की सिम है और उसमें इंटरनेट जो है ई का साइन आता है, जैसे कि इसमें एच का आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एच का आ रहा है, अगर आपके ई का आता है या फिर एच का आता है या फिर 2G का आता है, 3G का आता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, अपने मोबाइल में 4G नेट कैसे चलाएंगे, 5G नेट कैसे चलाएंगे BSNL के सिम में, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जैसे गाइस जो है इसमें जो है आपको दिखा रहा हूँ मैं रायपुर के साथ कि एच का साइन आ रहा है, आपके ई का आ रहा होगा या फिर एच का आ रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए करना क्या है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अब भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो जो है आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में फ्लाइट मोड को ऑन कर लेना है एंड फ्लाइट मोड को ऑन करने के बाद अगेन ऑफ कर लें। जैसे अगेन ऑफ कर लेंगे इसके बाद देखेंगे तो शायद आपके मोबाइल में 4G नेटवर्क आने लग जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आते तो फिर आपको करना क्या है, इस वीडियो को स्किप नहीं करें, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ 4G नेटवर्क कैसे लाएंगे। फिर आपको क्या करना है, अगर ई का साइन आता है कुछ इस तरह से, अगर फिर भी ई का या एच का साइन आता है तो फिर आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है एंड जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको चले जाना है कनेक्शन में। कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर चले जाना है मोबाइल नेटवर्क में एंड मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद एंड यहाँ पर जो नेटवर्क मोड है इसमें क्लिक करेंगे तो इसको आपको 5G सेलेक्ट रखना है, अगर 4G मोबाइल है तो 4G सेलेक्ट रखें, ठीक है। एंड इसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम में चले जाएंगे एंड यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके और इसको कर दीजिए आप यहाँ से रीसेट, यहाँ से कर दीजिए आप इसको कुछ इस तरह से रीसेट एंड जैसे रीसेट हो जाएगा एंड रीसेट होने के बाद आपको क्या करना है, बैक करना है एंड बैक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपके नेटवर्क आएंगे इसके बाद देखें तो आपको जो है यहाँ पर जो है नेटवर्क आने लग जाएंगे 4G। और अगर फिर भी नहीं आते तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप और नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे अकाउंट एंड बैकअप में और आने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे रीसेट में और रीसेट में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कर देना है रीसेट मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी रीसेट मोबाइल नेटवर्क में, तो अगर आपके नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी मोबाइल में तो उसमें जो भी 4G नहीं आ रहे तो वो आने लग जाएंगे, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसको कर देना है रीसेट। अब ये रीसेट हो जाएगी एंड रीसेट होने के बाद अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, बैक करके अपने मोबाइल को जो है पावर बटन को यहाँ से करिए प्रेस एंड इसको कर दीजिए यहाँ से आप रिस्टार्ट और जैसे रिस्टार्ट हो जाएगा इसके बाद देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी और आप 4G नेटवर्क यूज करने आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।